ओके, लेट मी स्टार्ट विद द सेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग एंड डिबगिंग यूजिंग सी शार्प। सी शार्प के अंदर स्ट्रिंग को आप कैसे हैंडल करोगे, फाइल को आप कैसे हैंडल करोगे, और हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशंस को डिबग कैसे करेंगे, ये तीन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ, तो ये जो हमारा स्ट्रिंग होता है, ये होता क्या है? स्ट्रिंग इज बेसिकली इट्स ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। आप कैरेक्टर्स को लेकर काम कैसे करो, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर ये हमारा एक प्रोजेक्ट ओपन है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैं फॉर्म के लोड पे यहाँ पे कुछ काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग एनएम इज इक्वल टू। अब मान लो इस स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। मान लो मैं अपना नाम डालता हूँ संतोष कुमार चौब, मैंने ये नाम डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग को लेके हैंडल करनी है, मुझे इसको लेके काम करना है। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला है, मैंने यहाँ पे बोला स्ट्रिंग एनएम इज इक्वल टू, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे क्लास है। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये क्लास है? देखो मैंने जब कुछ नहीं करा, मुझे यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारा ये पॉपअप हो रहा है और ये मुझे बता रहा है कि ये क्लास है। और क्लास का नाम क्या है? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पे सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए एक क्लास है। अच्छा, तुम एक बात मुझसे बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ पे तो बोला सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का एस आपने यहाँ पे कैपिटल रखा है, लेकिन आपने यहाँ पे स्ट्रिंग का एस स्मॉल दे दिया, इसका मतलब क्या है? याद रखना, ये जो हमारा सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है, चाहे मैं सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बोल दूँ या स्ट्रिंग बोल दूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ का मतलब क्या है? ये देखो, ये तो हमारा यहाँ पे क्लास है, और ये जो हम लोग स्मॉल में स्ट्रिंग यूज करते हैं ना, ये इसका एलियास नेम है, ये इसका एलियास नेम है, ये इसका एलियास नेम है। एलियास नेम मैंने आपको बताया था कंसोल प्रोग्रामिंग में कि हम लोग एलियास कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा एलियास नेम है, ये हमारा एलियास है। एलियास का मतलब इसका निक नेम है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है चाहे तो तुम यूज कर लो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग कैपिटल में, या फिर तुम्हें जो आदत लगी हुई है स्ट्रिंग स्मॉल यूज करने की, आप उसे यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पे बोला स्ट्रिंग एन एम इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे ये डाल दिया जो भी मुझे डालना, ठीक। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को लेके काम करना है। अब देखो, जो भी हमारी क्लास होती है, क्लास के अंदर होगा क्या? नेचुरली इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होंगे और क्लास के अंदर हमारे कुछ प्रॉपर्टी होंगे। तो ये जो हमारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टी है, मुझे इसे यूज करना है, दैट्स इट। मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड हैं, मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, मुझे इसे यूज़ करके देखना है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से यूज़ करना है। अब मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैसेज बॉक्स, मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो। अब मुझे यहाँ पर क्या बोलना है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ एन एम डॉट टू अपर, या मैं बोलता हूँ यहाँ पर टू लोअर। अब जैसे ही मैंने बोला टू लोअर, तो ये एक फंक्शन है, इसलिए मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत पड़ी। और ये क्या करेगा, ये आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो हमारा टू लोअर है, ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ डॉट टू अपर। अब यदि मैं अपर बोलूँ, तो ये इसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम डॉट रिप्लेस। अब हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस है, मुझे रिप्लेस करना है। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ओल्ड कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर। तो आप किसको रिप्लेस करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू रिप्लेस द टी, और टी को आप किस से रिप्लेस करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू रिप्लेस विद एक्स वाई जेड। तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड आ जाए। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम डॉट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के हमारे सामने आ जाती है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ जाती है, और इनका यूज़ करके हम अपना यहाँ पर काम कर सकते हैं। अपर में लेना है, लोअर में लेना है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर बार बार एक एक करके चीज़ों को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एन एम डॉट। अब मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसका लेंथ निकालना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ एन एम डॉट लेंथ। अब आप जरा गौर से देखो, ये लेंथ में कुछ अलग कहानी आ रही है, ये सिंबल कुछ अलग सा बना हुआ रहा है, और इसमें लिखा हुआ है कि गेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द करंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट। याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर गेटर और सेटर होता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेंथ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेंथ, और लेंथ जो है हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर। तो मुझे इस इंटीजर को क्या करना होगा, मुझे इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा।
तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग। तो पहले मैं ये चार चीज़ों को रन करके देखता हूँ, ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ये रिप्लेस करेगा और ये उसका लेंथ निकाल के देगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ, मैंने यहाँ पे किया F5, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। अब यदि मैं यहाँ पे रन करूँ तो मुझे एक एक करके सारी चीज़ें मैसेज बॉक्स में दिख जाएंगी। सबसे पहले आपने लोअर केस में कन्वर्ट किया था, फिर आपने अपर केस में कन्वर्ट किया था, फिर आपने रिप्लेस करा था और फिर आपने लेंथ निकाला था। ये देखो, फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो, मैंने लोअर केस में कन्वर्ट करा, सारे के सारे केस हमारे यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। मैंने अपर केस में कन्वर्ट करा, ये अपर केस में कन्वर्ट हो गए। मैंने यहाँ पे रिप्लेस करा था टी को एक्स वाई जेड से। ये देखो, जो हमारा टी है वो गेट रिप्लेस बाई एक्स वाई जेड, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट द लेंथ। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो क्या है वहाँ पे, 23। तो ये हमारे यहाँ पे फंक्शंस हैं और एट्रीब्यूट्स हैं जिनको लेके हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और ये सारी चीज़ों, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो हमने पहली बात कर ली कि भाई आप इतना काम कैसे करोगे। चलो आ जाओ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो हमारे स्ट्रिंग की काउंटिंग होती है ना, वो स्ट्रिंग की काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। इसकी जो पोजीशन होती है, इट्स ऑलवेज गेट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो ये हमारा जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हमारा ये 10, 11, इस तरह से ये जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग होती है हमेशा जीरो से होती है। अब हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग। ये जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ nm डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ, और मुझे कहाँ से लेना है तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे सेकेंड पोजिशन से तीन कैरेक्टर लेना है, या सेकेंड पोजीशन से मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे चार कैरेक्टर लेना है। तो ये हमारा जो सेकेंड है, ये टू क्या है, ये है पोजीशन, कहाँ से लेना है ये हमें बताता है। ये हमारा है पोजीशन कि आपको कहाँ से उठाना है। और ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फोर, ये फोर क्या है, हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है कि कितने कैरेक्टर उठाने हैं आपको। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप जहाँ से चाहो उतने कैरेक्टर उठा सकते हो। ये देखो, हमने बोला था सेकंड पोजीशन से चार कैरेक्टर। सेकंड पोजीशन हमारा क्या है, एन से स्टार्ट हो रहा है, NTOS, ये हमारा चार कैरेक्टर निकल के सामने आ गया। तो किसी भी स्ट्रिंग से कैरेक्टर उठाने का ये सबसे आसान तरीका है। इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, मैं आपको बोलता हूँ मैसेज वॉक डॉट सो, मैं बोलता हूँ एन एम डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ टू। तो ये क्या करेगा, सेकेंड पोजिशन से सारे कैरेक्टर उठा लेगा, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे होंगे सारे कैरेक्टर्स को उठा लेगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये देखो पहले तो ये आ गया, अब इसने सेकंड पोजीशन से सारे कैरेक्टर को उठा लिया और रिजल्ट हमारे सामने। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ होता है हाउ वी कैन गेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पर्टिकुलर पोजीशन। किसी खास जगह से आप नंबर ऑफ कैरेक्टर को कैसे गेट करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये नाम से ही आपको क्लियर लग रहा है कि भाई सब स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग को डिवाइड करेगा ये। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब स्ट्रिंग भाई कितना लेना है मुझे, कहाँ से लेना है, कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। चलो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी फंक्शंस हैं। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि मेरा जो एन है वो किस पोजिशन पे है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम डॉट, और मुझे यहाँ पे सर्च करने के लिए यूज करना होता है इंडेक्स ऑफ, और क्या सर्च करना है, तो मुझे यहाँ पे सर्च करना है n। तो ये मुझे n का पोजीशन दे देगा। तो n मेरा कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि मैसेज बॉक्स में ये पोजीशन रिटर्न करेगा, मतलब ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग में लगा देता हूँ, तो मुझे ये बता देगा कि उसकी हमारी पोजीशन क्या है। तो एक होता है यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंडेक्स ऑफ। ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये रिटर्न करता है पोजीशन को, ये रिटर्न करता है पोजीशन को। लेकिन ये पोजीशन कहाँ से रिटर्न करेगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट से करेगा। अब यदि मान लो मेरे पास एन यहाँ पे भी है, अब मुझे इस वाले एन का पोजीशन लेना है, तो यदि आप राइट साइड से पोजीशन लेना चाहते हो, पीछे की तरफ से लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम डॉट, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये लास्ट पोजीशन से वैल्यू लेके देगा, रिटर्न पोजीशन फ्रॉम राइट, ये राइट साइड से लेके देते। अब यदि मैं इसको रन करूँ,
अब मैं इसे रन करूं तो मुझे एन का जो फर्स्ट अकरेंस है वो मिल जाएगा और एन का जो लास्ट अकरेंस है वो मिल जाएगा। ये देखो फर्स्ट अकरेंस हमारा कहाँ पे है, 2 पे, और जो हमारा लास्ट अकरेंस है वो कहाँ पे है, 18 पोजीशन पे। इसकी जो पोजीशन है वो 18 है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे, चलो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, तो जो हमारा इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स ऑफ जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका काम होता है पोजीशन रिटर्न करना। मतलब जब कभी भी तुम्हें सर्च करना हो कि ये कैरेक्टर वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इंडेक्स ऑफ, जब कभी भी सर्च करनी है। अच्छा अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ये तो तुमने मान लो मेरा एन यहाँ पे है, तो अब आप क्या करोगे, अरे मैं बोलता हूँ कि मेरा एन यहाँ पे है, मतलब मुझे नेक्स्ट पोजीशन पे लेना है, तो याद रखना मतलब फर्स्ट पोजीशन के बाद लेना है मुझे, पहला पोजीशन तो ये है, फर्स्ट पोजीशन के बाद लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे बोलता हूँ INT एन इज इक्वल टू INT POS इज इक्वल टू पोजिशन इज इक्वल टू NM डॉट इंडेक्स ऑफ। तो इसने क्या करा, इसने मुझे रिटर्न कर दिया क्या, मुझे इसने पोजिशन रिटर्न कर दिया क्या, 2। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो NM डॉट इंडेक्स ऑफ N लेना है मुझे, और N कहाँ से लेना है, किसके बाद से लेना है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉमा स्टार्ट इंडेक्स पॉज प्लस 1। मतलब ये जो आपकी पोजिशन है, ये जो आपकी पोजिशन है, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे सेकंड पोजीशन से बता देगा सेकंड पोजीशन तो उसकी अकरेंस कहाँ है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो आपने ये ले लिया, अब मुझे ये सेकंड पोजीशन पे बता देगा वो कहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे पोजीशन बता रहा है एन की, सेकंड अकरेंस बता रहा है कि दूसरे जगह पे वो कहाँ पे अवेलेबल है, दूसरे पोजीशन में। ये देखो 10th पोजीशन पे हमारा एन अवेलेबल। अच्छा ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई हमें यहाँ पे सेकंड अकरेंस लेना था, मैंने आपको बताया कि भाई फर्स्ट लेना है तो क्या करोगे, लास्ट लेना है तो क्या करोगे, तो ये तो हमें दे देगा जो फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, और ये हमें दे देगा जो हमारे लास्ट पोजीशन पे मिलेगा। लेकिन मान लो मेरे पास सेकंड पोजीशन वाले को लेना है, मुझे सेकंड पोजीशन वाले को लेना है, तो सेकंड पोजीशन पर सर्च करना है तो मैं कैसे सर्च करूँगा, तो ये रहा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला यहाँ पर जो भी हमें मिला उसको मैंने POS में डाल दिया, POS में मुझे सेकंड फर्स्ट पोजीशन मिल गया। अब मैंने यहाँ पे बोला मुझे एन सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है, पॉज प्लस 1, तो ये हमें सेकंड पोजीशन रिटर्न करके दे देगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये देखो अभी मैं यहाँ पे कई सारे लॉजिक मैंने लगा दिया, मैंने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया कि भाई तो ये हमारा पॉज, अब तुम्हें क्या पता ये पॉज में क्या जा रहा है, इसके अंदर हो क्या रहा है, तो मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए प्रोग्रामर आप अपनी पूरी जिंदगी 40% टाइम आप यही काम करते हो, क्या, जिसको हम बोलते हैं डिबग करना, डिबगिंग करना। तो यहाँ पे हमारा 2 लाइन का कोड है, मैं इसको डिबग करके देखता हूँ कि आप इसको डिबग कैसे करोगे। देखो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, जिन कोडों को मुझे डिबग करना है मैं वहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया ब्रेक पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, मैंने यहाँ से हटा दिया, अभी हट गया, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्रेक पॉइंट। तो सबसे पहले जब कभी भी हम लोग डिबग करते हैं तो डिबग करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाना होता है, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाना होता है, और ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करते हो, जो हमारा लाइन होता है, जो हमारा लाइन होता है, लाइन के बिगनिंग में ही आप वहाँ पे क्लिक कर दें तो हमारा वो ब्रेक पॉइंट लग जाता है। यदि मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो हमारा ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है, भाई आपने ब्रेक पॉइंट तो लगा दिया तो ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है, ब्रेक पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम आके रुकेगा। मतलब आपने अपने प्रोग्राम, ये जैसे हमारा स्पीड ब्रेकर होता है ना सड़कों पे, भाई आपकी गाड़ी आ रही है 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, कोई रोड ब्रेकर आया, भाई आप क्या करते हो, ब्रेक लेते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, वही चीज़ है ये हमारा ब्रेकर है। अब यदि मैं अपने प्रोग्राम को देखो, अभी तक मैं प्रोग्राम को रन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ और मुझे आउटपुट मिल गया। अब मुझे ये नहीं पता चला कि अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मुझे पता तो चले कि अंदर क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा, अब जरा गौर से देखो कि जहाँ पे तुमने ब्रेक पॉइंट लगाया वहाँ पे ये आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइन बाय लाइन रन करनी है। मतलब मैं चाहता हूँ इसके बाद ये कर्सर कंट्रोल यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, तो मुझे लाइन बाय लाइन रन करनी है। तो लाइन बाय लाइन रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो, ये हमारा डिबग है, ठीक, ये हमारा यहाँ पे डिबग है। तो ये देखो यहाँ पे एक होता है स्टेप इनटू और एक होता है स्टेप ओवर, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मुझे लाइन बाय लाइन रन करनी है। ये देखो यहाँ पे F10 F11 ये चीज़ें,
तो मुझे लाइन बाय लाइन रन करनी है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ F10, F10, ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया। आप जरा नीचे देखो, वैल्यू मुझे दिख रही है कि NM के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू जा रही है, संतोष कुमार चौर, ये हमारा वैल्यू। अब मैं बोलता हूँ मैंने यहाँ पे F10 करा, अब मैं यहाँ पे आ गया, मतलब अब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। फिर से मैं करता हूँ F10, आप जरा गौर से देखो POS की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2। और मुझे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे हमारा क्या है, अदरवाइज यदि मैं कर्सर यहाँ पे ले जाऊँ तो मुझे वैल्यू पता चल रहा है, ये देखो POS की वैल्यू क्या हमारा 2 है, NM की वैल्यू क्या हमारा संतोष कुमार चौधरी। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ message box.show nm.index of, अब यदि मैं F10 करता हूँ, ये देखो ये इसने हमें रन कर दिया, और रन करने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अब मेरा काम हो गया, मैंने रन कर लिया, मैंने डिबग कर लिया, मुझे समझ में आ गई। अब मैं F5 कर देता हूँ, अब मैं F5 करूँगा तो वो हमारा रन कर जाएगा। तो याद रखना हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमें ब्रेक पॉइंट लगानी है, ब्रेक पॉइंट के बाद जहाँ पे कंट्रोल आके रुकेगा वहाँ पे हमें क्या लगाना है, हमें वहाँ पे F10 लगाना है, F10 लगाना है। F10 से क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन मूव करेगा, मतलब अगले लाइन में जाएगा फिर अगले लाइन में जाएगा, मैं बताऊँगा ये F10 क्या है। तो अब देखो, और अभी मुझे कभी भी डायरेक्ट रन करनी है तो मैं F5 तो कर ही सकता हूँ, F5 कर दोगे तो जहाँ पे भी आप हो अपना वो डायरेक्ट रन कर जाएगा, जहाँ पे भी हो आप अपना डायरेक्ट वो रन कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने कोडों में जब काम करेंगे, यहाँ पे बड़े भी प्रोग्राम में काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो ब्रेक पॉइंट हटाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, हट गया, और ब्रेक पॉइंट लगाना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ब्रेक पॉइंट लग गया। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो मैं रन करता हूँ तो ब्रेक पॉइंट है तो वहाँ पे आके रुकेगा। अब मुझे देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं यहाँ पे F10 करता हूँ, अब ये यहाँ पे आ गया, ये देखो मुझे वैल्यू दिख रही है, अभी पॉज की वैल्यू 0 है। मैं यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो जो हमारी पॉज की वैल्यू क्या है, वो 2 है। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारा आ गया, ये मेरा रन कर गया, अब मैं कभी भी इसको यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपने कोड को डिबग करते हैं, तो डिबगिंग जो है हम लोग साथ के साथ करते चलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि सर्चिंग कैसे करोगे, ये मैंने आपको बताया कि भाई आप स्ट्रिंग में पर्टिकुलर पोजीशन से वैल्यू को उठाओगे कैसे। एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पे ये हमारा स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग में मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसे वर्ड बाय वर्ड अलग करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ संतोष अलग हो जाए, कुमार अलग हो जाए, चौधरी अलग हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग SP = मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ NM.split, मुझे स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्पेस, स्पेस के बेस पे मुझे स्प्लिट करना है। तो जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वो इसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद वैल्यू को कहाँ पे डाल देगा, एरे में, चूंकि हमारा ये एक एरे है तो एरे से वैल्यू को उठाने के लिए आप लोग मास्टर आदमी हो। हम क्या लगाते हैं, फॉर इच, अब हम यहाँ बोलते हैं स्ट्रिंग एन इन, अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं SP, और मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर इच, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग एन इन, मैंने यहाँ पे बोला SP में मैंने ले लिया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे SP को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ message box.show, और मैं यहाँ पे N को डिस्प्ले करता हूँ। तो आप जरा गौर से देखो, ये हमारा स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट होने के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे, ये वैल्यूज हमारे निकल के सामने आ जाएंगे, ये देखो। तो तोड़ने के लिए स्ट्रिंग को हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट, ध्यान रखना स्प्लिट में हम कैरेक्टर पास करते हैं, स्ट्रिंग नहीं पास करते हैं। ये देखो ये हमारा स्प्लिट हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहीं पे स्प्लिट करूँ। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाऊँ तो कैसे लगाओगे ब्रेक पॉइंट, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लग गया ब्रेक पॉइंट, अब मैं इसको रन करता हूँ, अब ये यहाँ पर आके रुका, यहाँ पर आके रुका, मैं करता हूँ F10, ये देखो डिबग कर रहा हूँ मैं। अब जरा गौर से देखो, F10 आपने कर दिया, इसका मतलब अब ये हमारा एरे में यहाँ पर कौन सी वैल्यू जा रही है। अब यदि मैं यहाँ पर एरे में देखूँ, ये देखो, अब यदि मैं इस पर क्लिक करूँ, ये हमारी वैल्यू जा रही है, ये देखो 0 में हमारा क्या है, यहाँ पे संतोष है, 1 में हमारा क्या है, यहाँ पे ये है, और 2 में हमारा क्या है, यहाँ पे ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया, एरे के अंदर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे एरेज में कौन सी वैल्यू है। ये फ़ायदा होता है हमारा डिबग करने का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ, F5 कर देता हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। तो हमें स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट। तो हमारा स्प्लिट फंक्शन होता है, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके आप उसे ब्रेक कर सकते हो, जो भी हमारी चीज़ें हैं आप उसको ब्रेक कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे ब्रेक तो कर दिया, अब जो आपने ब्रेक किया है मुझे इसे कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं string.join, ज्वाइन करना है।
मुझे किसे ज्वाइन करना है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आप कौन सा सेपरेटर लगाओगे, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ सेपरेटर में मैं क्या, मैं यहाँ पर बोलता हूँ सेपरेटर में लगाता हूँ यहाँ पर हैश, यानी कि जब ये आपस में जुड़ेंगे तो बीच में हैश होगा इनके। और किसको जोड़ना है, तो जिसको आपने स्प्लिट किया था तो हमारे एसपी को जोड़ना है। अब आप जोड़ने के बाद इसको रखोगे कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग एन एम वन इज इक्वल टू, तो एन एम वन में आपने यहाँ पे डाल दिया। अब यदि मैं यहाँ पे करता हूँ माई मैसेज बॉक्स डॉट सो और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम वन, अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और ये हमारा एन एम वन यहाँ पे निकल के सामने आ गया। ये देखो या आपने ज्वाइन कर दिया ना, दैट्स गुड, और ये चीज़ें निकल के सामने आ गई। तो स्ट्रिंग को जोड़ना कैसे है, स्ट्रिंग को तोड़ना कैसे है, स्ट्रिंग को सर्च कैसे करना है, पर्टिकुलर पोजीशन से वैल्यू को उठाना कैसे है, लोअर और अपर में कैसे कन्वर्ट करना है, रिप्लेस कैसे करना है, यदि इन बातों की जानकारी मुझे हो गई तो अब मैं स्ट्रिंग को लेके कोई भी प्रोग्राम बना सकता हूँ और स्ट्रिंग को लेके काम कर सकता हूँ। चलो मैं कुछ प्रोग्राम बनाता हूँ स्ट्रिंग को लेके। अब मुझे क्या करना है, मान लो मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूँ जो आपको बनाना है, और मान लो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि आपको एक सेंटेंस एंटर करनी है या फिर यू नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ वर्ड्स इन पर्टिकुलर सेंटेंस। आपको यहां पे ये पता करना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड हैं और कितने कैरेक्टर हैं। मान लो मैं यहां पे बोलता हूं सेंटेंस, मैं यहां पे बोलता हूं सचिन द लीजेंड, मैंने यहां पे ये डाला, तो यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पास कितने हैं, 3 है। और यहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना है मुझे विदाउट स्पेस, स्पेस को काउंट नहीं करनी है मुझे, मुझे यहाँ पे स्पेस को काउंट नहीं करनी है बॉस, मैं यहाँ पे स्पेस को काउंट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं तो लेंथ निकाल लूँगा, लेंथ निकालने से नंबर ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दोनों स्पेस हैं ये माइनस होनी चाहिए उसमें। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सचिन द लीजेंड, इसमें ये भी हो सकता है ना, सचिन तेंदुलकर द लीजेंड। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ ना, सचिन तेंदुलकर द लीजेंड। अब यदि मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, मेरा ये प्रोग्राम। अब आपके लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक चैलेंज है कि भाई आपको सोचना है आप कैसे करोगे इस काम को। देखो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यदि मैं इसको तोड़ लूँ, स्प्लिट कर लूँ, तो स्प्लिट कर लूँगा तो मुझे, और एरे को मैं लेंथ बता दूँ तो मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। अब यदि मान लो मैं इसे तोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग एन एम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सचिन रमेश तेंदुलकर, मैं बोलता हूँ द लीजेंड, ठीक, मैंने यहाँ पे ये डाला। अब मुझे यहाँ पे ये पता करना है नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो अब कैसे पता करोगे, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एस पी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर दो किसके बेस पे, जहाँ पे तुम्हें स्पेस मिल गया उसको तोड़ दो। अब मैंने यहाँ पर इसे ब्रेक कर दिया, मैंने यहाँ बोला स्ट्रिंग एस पी इज इक्वल टू एन एम डॉट स्प्लिट और मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एस पी और एरे का लेंथ निकाल लो, लेंथ डॉट टू स्ट्रिंग, हो गया जी मेरा नंबर ऑफ वर्ड्स निकल गया। अब मैं यहाँ बोलता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस, अब यदि मैं इसे रन करूं, आप जरा गौर से देखो, मुझे ये बता देगा यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 5 हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5। एक काम करो, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाओ, रन करो, कोई भी प्रोग्राम को ब्रेक पॉइंट लगा के रन करो। अब मैं यहाँ पर करता हूँ F10, अब मैं करता हूँ F10। अब आप जरा गौर से देखो, यहाँ पर हमारा जो SP आया, इस SP के अंदर यहाँ पर ये देखो सारे अलग अलग हो गए, 0, 1, 2, 3, 4 सारे अलग अलग हो गए, तो 5 एरे में कितने पॉकेट बन गए हमारे, 5।
इसलिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स 5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं। हम यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद देखते हैं। अब मेरा दूसरा टास्क यहाँ पे था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे निकालोगे? यदि मैं यहाँ पे लेंथ निकाल दूँ तो लेंथ में तो ये स्पेस को भी लेगा, तो मुझे यहाँ से क्या करना है, लेंथ में से स्पेस माइनस करनी है। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे स्पेसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4। याद रखना है, चूंकि यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं इसीलिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नरेंद्र मोदी, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? इसका मतलब यहाँ पे सचिन रमेश तेंदुलकर द लेजेंड, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 5। 5 क्यों हैं? क्योंकि स्पेसेस यहाँ पे कितने हैं? 4। कुछ बात समझ में आई? चलो मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक काम करो, थोड़ा सा मैं यहाँ बोलता हूँ INT NOW इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ NM डॉट लेंथ माइनस, यानी कि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें से मैं यहाँ पे SP डॉट लेंथ, ये जो हमारा एरे का लेंथ है, एरे के लेंथ में मैं -1 लगा देता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे एरे का जो लेंथ है उसमें -1 कर दिया, और उस लेंथ को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया टोटल लेंथ से। अवधि मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, अवधि मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर इज, और मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ NOW, और मैं इसे यदि यहाँ पर रन करूँ, ये देखो नंबर ऑफ वर्ड्स निकल के आ गए कितने हमारे पास, ये देखो 5 हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हमारे पास, 29 है। दैट्स गुड। अब चलो एक काम करो, इसको ब्रेक पॉइंट लगाओ, रन करो। ब्रेक पॉइंट लगा के आप कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को भी आसान बना सकते हो। ये देखो मैं यहाँ पे F10 करता हूँ, या आपने स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट करने के बाद मुझे यहाँ पे ये मिल गया। ये देखो फिर से F10 करो, F10 मिल गया 5। अब यहाँ पर देखो टोटल लेंथ कितनी है, 33। इसका मतलब NM के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 33 में एरे का लेंथ कितना है, 5 -1 आपने कितना कर दिया इसको, 4। तो 33 में से 4 हटा दो, 29 होगा रिजल्ट, हमारे पास आ गया 29। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बात समझ में आई? अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पर, तो ये राजी हमारा प्रोग्राम, ये राजी आपका आंसर। जब कभी भी आप लोग प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जाओगे या किसी कंपनी वगैरह में जाओगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, और कुछ लॉजिक लगा के इन तरह के क्वेश्चंस को आपको करने होते हैं सॉल्व। चलो मान लो मेरा क्वेश्चन है कि आपको करना क्या है, कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो मेरा स्ट्रिंग है ABCD, और मुझे इसे रिवर्स करके करना है DCBA। मतलब जो भी मैं स्ट्रिंग दूँ उसका रिवर्स निकालना है मुझे, मुझे यहाँ पे इसका रिवर्स निकालना। अब ये रिवर्स निकालोगे कैसे, चलो निकाल के देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ, और स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ x। अब मुझे क्या करना है, इसका रिवर्स निकालना है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग NM1 इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ null। और मैं बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से निकालता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर INT i इज इक्वल टू 0 semicolon i लेस देन NM डॉट लेंथ semicolon, मैं यहाँ पे बोलता हूँ i++। मतलब मैंने आपने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया, और इस फॉर लूप के अंदर आपने बोल दिया भाई फॉर लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, NM के लेंथ तक जाएगा, और चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उस कम तक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ NM1 इज इक्वल टू। अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे उठाता हूँ A, अच्छा जी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A। अगली बार मैं उठाऊंगा यहाँ पे B, तो B को मुझे कॉन्कैटिनेट करना होगा किससे, जो पहली वाली A थी उससे। चलो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ NM1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ NM डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ i, 1 प्लस
एनीवन दैट्स इट, हो गया जी बॉस। अब मैं इसको रन करता हूँ मैसेज बॉब डॉट शो, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ NM1। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो आ गया DCBA। अब मैंने यहाँ पे क्या जादू कर दिया भाई, मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कोई भी प्रोग्राम समझना हो तो ब्रेक पॉइंट लगाएं। रन करें, कर्सर यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करोगे, F10। ये देखो ये लूप चला आपका NM1 इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो NM की वैल्यू क्या है, ABCD डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ। I की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 पोजीशन से एक कैरेक्टर, तो क्या मिलेगा, A। और अभी NM1 में क्या है, कुछ भी नहीं है, नल है। तो NM1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो A आ गया, लेकिन आइए यहाँ पे। अब ये जो हमारा यहाँ पे NM1 है, इसमें क्या है, हमारा A है, ठीक। और ये मुझे क्या निकाल के देगा, वन पोजीशन से वन कैरेक्टर क्या निकाल के देगा, B। तो ये हमारे क्या देगा, B। और यहाँ पे हमारे क्या है, A। NM1 में क्या आ गया, B आ गया। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, अब ये देखो ये हमारे यहाँ पे क्या दे रहा है, सेकंड पोजीशन से एक कैरेक्टर। तो सेकंड पोजीशन से एक कैरेक्टर क्या मिल जाएगा, C। और यहाँ पे पहले से क्या था हमारे पास, BA। तो ये मेरे देखो क्या आ गया, CBA आ गया। नीचे देखते चलो, यहाँ भी आ रहा है। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, अब ये मुझे क्या देगा, थर्ड पोजीशन से एक कैरेक्टर क्या निकाल के देगा, D। और यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू क्या थी, CBA। अब मेरे पास क्या आ गया, DCBA आ गया, देखो यहाँ भी आ रहा है। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ, ये लूप समाप्त हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये देखो हमारा आउटपुट आ गया, DCBA। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने, अब आप यहाँ पे, अच्छी बात यह है तुम यहाँ पे कुछ भी दे दो, जो भी दे दोगे वो उसका रिवर्स निकाल के आपके सामने दे देगा। इसने एक रिवर्स निकाल के आपको एक सामने लेके दे, ये दे, आपने जो भी दिया उसका रिवर्स निकाल के ये दे। तो कभी भी यदि स्ट्रिंग का रिवर्स निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब कभी भी तुम लोग प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जाते हो, कंपनियों में जाते हो, तो समझ लो रिटन टेस्ट की शुरुआत तो यहीं से होती है। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को लेके आपको काम करना होता है। चलो, और देखो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई उनकी प्रोग्रामिंग लॉजिक में प्रॉब्लम है। याद रखना, लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि हम लॉजिक अप्लाई नहीं करते, हम लगाते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। थोड़ा सा हमें कुछ करना होगा, कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ। क्या कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ, मैं करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू के साथ कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ। तो जब मैं कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ तो करंट को पहले रख रहा हूँ, प्रीवियस को बाद में रख रहा हूँ, इस तरह से मेरा रिवर्स निकल रहा है। चलो मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है, मेरे पास स्ट्रिंग है, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ आकाश कुमार कोहली। अब ये नाम है आकाश कुमार कोहली। अब मेरा सवाल ये है कि आपको डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले करना है इनिशियल विद फुल लास्ट नेम। तो इसका नाम क्या होगा, AK कोहली, यही तो नाम होगा इसका भाई, आकाश कुमार कोहली। मुझे आउटपुट क्या चाहिए, AK कोहली। अच्छा, इसको ऐसे ही मत देखो, आप ये मत सोचो कि नाम तीन वर्ड ही होंगे नाम में, नाम ये भी तो हो सकता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ राम लखन सिंह यादव। अब इसमें हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, मुझे आउटपुट मिलना चाहिए R.L.S. यादव। तो मुझे ये वाला प्रोग्राम बनाना है, मतलब मुझे इनिशियल विथ फुल लास्ट नेम। अब इस प्रोग्राम को यदि मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, चलो करके देखते हैं। हमारा ये नाम है, चलो मैं राम लखन सिंह यादव ही लेता हूँ, राम लखन सिंह यादव। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है मेरे पास स्प्लिट एक फंक्शन होता है, आप सबसे पहले स्प्लिट कर दो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग SP इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ SP इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ NM.Split, स्प्लिट करो, स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्पेस के बेस पे। चलो सबसे पहले मैं राम लखन सिंह यादव तीनों को मैंने, चारों ये मैंने जितने भी हैं सबको अलग अलग कर लिया। चलो अब इतना काम तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, राम का R उठाना है, लखन का L उठाना है, सिंह का S उठाना है, और यादव को एज इट इज लेना है। चलो तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर INT
मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो सेमी कॉलन। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, आई लेस देन एस पी डॉट लेंथ। लेकिन मुझे याद रखना लेंथ लास्ट तक नहीं जाना, यादव नहीं उठाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एस पी डॉट लेंथ माइनस वन। तो ये राम लखन सिंह तक ही तो जाएगा, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे एरे के हर एक पॉकेट से एक एक कैरेक्टर उठाना है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग एनएमोन इज इक्वल टू, एनएमोन इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एनएम डॉट एनएमोन इज इक्वल टू क्या, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एनएमोन मतलब प्रीवियस वैल्यू प्लस एस पी ऑफ आई, जो भी आपने स्प्लिट किया है स्ट्रिंग के अंदर, डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में क्या, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जीरो कॉमा वन, यानी कि जीरो पोजीशन से एक कैरेक्टर को ले लेगा ये, और जितने भी कैरेक्टर लेगा तो बाद में उसमें मुझे डॉट भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। तो एन एम वन के अंदर मुझे मिल गया आर डॉट एल डॉट एस डॉट, ये तीन चीज़ मिल गई। अब मुझे यादव लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, अब मैं यहाँ बोलता हूँ एन एम वन प्लस, एन एम वन प्लस। अब एन एम वन के बाद मुझे क्या दिखाना है, यादव दिखाना है। यादव आपके एरे के कौन से वैल्यू पॉकेट में होगी, लास्ट वैल्यू में, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एस पी ऑफ एस पी डॉट लेंथ माइनस वन, तो जो लास्ट वाला वैल्यू है वो आ जाएगा। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, ये देखो आ गया आर डॉट एल डॉट एस डॉट यादव। एक काम करो ब्रेक पॉइंट लगाओ, रन करो, ये देखो एस पी के अंदर आपके ये आ गए चारों अलग अलग हो गए। ये देखो फॉर लूप चला, अब आपने बोला एन एम वन इज इक्वल टू, एन एम वन में कुछ भी नहीं है, एस पी ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है जीरो, उसमें आप क्या कर रहे हो सब स्ट्रिंग ऑफ जीरो कॉमा वन, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे कर दूँ क्विक वॉच, ये देखो मुझे आर मिल रहा है। क्विक वॉच करने से आप इमीडिएट देख लोगे वैल्यू क्या है सेलेक्ट करके, ये देखो तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया आर मिल गया, और आर के बाद आपने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है आर डॉट है, अब मुझे क्या मिल जाएगा एल मिल जाएगा, ये देखो आर डॉट एल डॉट मिल गया। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखो आर डॉट एल डॉट एस डॉट मिल गया। अब ये लूप चलेगा नहीं, अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है आर डॉट एल डॉट एस डॉट, और यहाँ पे आपने लेंथ लिया है, उसमें आपने एस पी में क्या है ये हमारा, और लेंथ कितना है चार, चार माइनस वन कितना होगा तीन, तो एस पी के तीसरे पॉकेट में मेरे पास क्या है यादव है ना, तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या है कि आर डॉट एल डॉट एस डॉट यादव, और ये राजी हमारा सर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग को लेके इनिशियल, अब आप ज़रा गौर से देखो जितने भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे स्प्लिट लगा रहा हूँ, सब स्ट्रिंग लगा रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ, ये तो काम करना है। अब इसी सवाल को यदि मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे क्या काम करना है यहाँ पे, मुझे ये काम करना है, क्या काम करना है मुझे, मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पे राम लखन सिंह यादव, तो मुझे यहाँ पे आर डॉट एल डॉट एस डॉट वाई डॉट चाहिए, होता ना कई लोगों का भाई मुझे केवल इनिशियल चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए। तो अब आप ये क्या करोगे, सेम प्रोग्राम रहेगा, मैं यहाँ पे लेंथ हटा देता हूँ, हो गया बस। अब यदि मैं यहाँ पे एनएम को डिस्प्ले कर दूँ, एनएम वन तो हमारा काम हो जाएगा, रन करो, वही काम तो हम कर रहे थे। ये देखो तो सेम प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप लोगों के लिए टास्क यहाँ पे ये है कि इस प्रोग्राम को आप ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करके देखिएगा कि रन कैसे हो रहा है। चलो सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे यहाँ पे चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ नून, नून को मैं रिवर्स करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, नून ही तो मिलेगा। अभी मैं नून को रिवर्स करूँगा तो नून ही तो मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ मलयालम, अब मलयालम को तुम रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा, मलयालम ही तो मिलेगा। तो वैसे मुझे क्या करना है कि मुझे इसका रिवर्स निकालना है,
अब मुझे चेक करना है कि जो रिवर्स निकला और जो एक्चुअल स्ट्रिंग है क्या दोनों बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो भाई अपना काम कर दो। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, ऑलरेडी तुमने ऊपर में रिवर्स तो निकाला था, ये रहा जी आपका रिवर्स, ये रहा जी आपका रिवर्स। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ नून। अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, ये तो रिवर्स तो निकालना नहीं है, मुझे यही तो चेक करना है कि एन एम और एन एम वन की वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ़ एन एम इज इक्वल इक्वल टू एन एम वन। अदि ये दोनों बराबर है देन आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अदि ये दोनों हमारे बराबर हैं देन आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एल्स एल्स आप यहाँ पे क्या कर दोगे। अब यदि मैं इसको रन करूँ, मैं बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, मैं बोलता हूँ पैलिंड्रोम, यदि बराबर है इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, और अगर वो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो भाई वो नॉट पैलिंड्रोम है। यहाँ पे बोल देता हूँ मैं नॉट पैलिंड्रोम। अब यदि मैं इसको रन करूँ, मैंने यहाँ पे नून दे दिया है, अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो ये हमारा पैलिंड्रोम है। अरे मैं यहाँ पे इसके अलावा कुछ और दे दूँ, अब अभी मैं इसको रन करूँ, अब ये मुझे मैसेज मिल गया यहाँ पे नॉट पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से हम पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ नहीं है, वही रिवर्स वाले लॉजिक हैं जिसको आपने इस तरीके से यहाँ पे काम कर दिया। मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ये भी प्रोग्राम आप डिबग करके देखेंगे। अब आप कोई भी प्रोग्राम उसको डिबग करके जरूर देखेंगे तभी आप उसको लेकर काम करेंगे। तो स्ट्रिंग को लेके हमें कुछ इस तरह के ही मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, जब कभी हम स्ट्रिंग को लेके काम करना हो तो हमें इस तरह के मैनिपुलेशंस यहाँ पे करने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग एनएम वन इज इक्वल टू, और एनएम वन के अंदर मैं यहाँ बोलता हूँ संतोष, और इंटेंशनली या बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, होता है ना कई बार हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। और मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया स्ट्रिंग एनएम टू इज इक्वल टू, और गलती से मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट सो, अब मैं बोलता हूँ एन एम वन इज इक्वल इक्वल टू एन एम टू, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या एन एम वन जो है एन एम टू के बराबर है। तो यदि मैं यहाँ पे एक काम करो, ये जो ये रिटर्न करेगा बुलियन, तो मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, एक काम करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एन एम वन इज इक्वल इक्वल टू एन एम टू, अदि ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स दे दो, भाई सेम है मैसेज बॉक्स डॉट सो, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ सेम, ठीक। अदरवाइज मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ, मतलब मुझे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, या लोग गलती क्या कर जाते हैं कि भाई कहीं गलती से कोई स्पेस वगैरह आ गया। अब यहाँ पे यदि स्पेस आ गया, अब यदि मैं इसको रन करूँ तो अब ये दिक्कत है, अब ये आपको परेशान करेगा। इवन आपको तो दिख रहा है कि दोनों में संतोष है, ये देखो आ रहा है नॉट सेम। अब क्यों नॉट सेम, क्योंकि एक में आपने स्पेस डाल दिया, इधर स्पेस है। तो बेहतर ये होता है कि जब कभी भी तुम स्ट्रिंग को कंपेयर करो ना, तो यहाँ पर लगा दो ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, आगे पीछे जहाँ भी स्पेसेस होंगे उन स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। अब यदि मैं यहाँ पर ट्रिम लगा दूँ, ये देखो अब इसमें ट्रिम स्टार्ट भी है और ट्रिम एंड भी है। मैंने यहाँ पर ट्रिम लगा दिया तो ये आगे पीछे कहीं भी स्पेसेस हो उन स्पेसेस को ख़त्म कर देगा, और उसके बाद वो चेक करेगा। अब देखो ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। कभी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो ध्यान रखें कि आप वहाँ पर ट्रिम जरूर लगा दिया करें। कई बार क्या होता है कि मान लो हम लोग गलती से, कई बार क्या होता है मान लो यहाँ पर गलती से मैंने एस जो है स्मॉल कर दिया। अब मैंने यहाँ पर स्मॉल कर दिया, अब मुझे इन दोनों को चेक करना है।
तो भाई तुम तो बोलोगे यार ये तो दोनों के केस, लेकिन यार ये ठीक है यार, इसने कैपिटल में लिखा, इसने स्मॉल में लिखा, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो भाई मैच हो जाए। तो इसका तरीका क्या है? तो आप एक काम करें, जब यहाँ पर ट्रिम लगा रहे हैं तो ट्रिम के साथ साथ एक काम करें, आप या तो दोनों को अपर में कर लो या दोनों को लोअर में कर लो। अभी मैं यहाँ पर दोनों को अपर में कर लूँ या मैं दोनों को लोअर में कर लूँ, तो इस तरीके से यदि मैं करूँगा तो कभी भी ये हमारा मिस नहीं करेगा। मतलब बेचारों ने गलती करी है, कैपिटल कर दिया या स्मॉल कर दिया, जैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, भाई मैं चाहता हूँ कि कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर दो यार, वो ले ले, ये देखो आ रहा नहीं है, सेम है, जबकि दोनों में स्मॉल कैपिटल का भी अंतर है, दोनों में स्पेसेस भी हैं। तो स्पेसेस को कौन रिमूव कर रहा है? ट्रिम। और दोनों को सेम केस में कन्वर्ट कौन कर रहा है? टू अपर। तो जब कभी भी आपको स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, स्ट्रिंग को चेक करना हो, तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप इस काम को कैसे करेंगे। बात समझ में आई? इन चीज़ों को आप याद रखें कि आप उसे यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि, मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई आप मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, ठीक है? और तो एक तो तरीका यह है, तुम यहाँ पे ट्रिम लगा दो, अपर लगा दो। एक चीज़ और है, जैसे कई बार मुझे चेक करना होता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे चेक करना है स्ट्रिंग के अंदर नल तो नहीं है, या स्ट्रिंग के अंदर नल है या क्या है, तो मुझे यहाँ पे इसको चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कभी भी जब हम लोग स्ट्रिंग को चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से नहीं चेक करना चाहिए, ये तो बिल्कुल देसी स्टाइल में आपने कर दिया कि NM1 इज इक्वल इक्वल टू नल। अब ये जो तरीका है ये गलत है। भाई आप एज ए प्रोग्रामर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा कुछ एडवांसमेंट के साथ काम करो। तो आप यहाँ पर लिखो स्ट्रिंग डॉट, और स्ट्रिंग क्लास के अंदर में यहाँ पर फंक्शन होता है कंपेयर, आप कंपेयर करो, ठीक? किसको कंपेयर करो? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ इफ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, आप यहाँ पर कंपेयर करवाते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे NM1 में मान लो मेरा ये है, और मेरा यहाँ पे NM2 के अंदर हमारा मान लो ये है, अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, तो आप बेहतर यहाँ पे ये कर दें, यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर ऑफ NM1 कॉमा NM2। आप इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो, इज इक्वल इक्वल टू ट्रू। यदि मैंने कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद दोनों का वैल्यू यहाँ पे ट्रू आ गया, इसका मतलब भाई ये दोनों जो भाई भाई लोग हैं वो सही हैं, सेम है। तो मैंने यहाँ पे बोला स्ट्रिंग डॉट कंपेयर ऑफ NM1 कॉमा NM2। अब ये भाई साहब को क्या दिक्कत आ गई, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे ये। ओके ये देख, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। याद रखना जब कभी भी तुम कंपेयर करते हो ना, तो ये इंटीजर रिटर्न करता है। तो एक काम करो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ INT कॉम्प इज इक्वल टू, कॉम्प इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग डॉट कॉम्पेयर ऑफ NM1 कॉमा NM2। आप जरा गौर से देखो, जैसे हम लोग सी में यूज करते हैं STR CMP, यहाँ पे ये हमारा स्ट्रिंग डॉट कॉम्पेयर होता है। अब मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ कॉम्प की वैल्यू। मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉम डॉट टू स्ट्रिंग। अब जरा गौर से देखो कितना अच्छा फंक्शन है ये। ये हमें क्या कर देगा, दोनों स्ट्रिंग हमारा बराबर है तो ये हमें 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यदि मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये काम करता है, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा, ए और बी को कंपेयर करेगा, और ए और बी को कंपेयर करने के बाद ये रिटर्न करेगा। अब आप जरा गौर से देखो क्या आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है -1। क्यों? क्योंकि आपने ए और बी दोनों को कंपेयर किया, ए की इसका वैल्यू होती है 65, बी की स्काई वैल्यू होती है 66, तो जो सेकंड स्ट्रिंग है उसकी स्काई वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट वाले से, इसलिए आपको मिल रहा है -1। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे सी कर दूँ, तो अब रन करो, ये देखो ये -1 दे रहा है। मेरे कहने का मतलब जो हमारा सेकंड स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग से बड़ा है, इसलिए वो -1 दे रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इसको सी कर दूँ, और यदि मैं इसको ए कर दूँ, अब यदि मैं रन करूँ, अब ये देगा 1।
क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग से भरा है। तो इस तरीके से तुम कंपेयर करवा सकते हो कि भाई स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, अरे ये जीरो दे रहा है इसका मतलब भाई दोनों बराबर हैं, और अगर जीरो नहीं दे रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो जब कभी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो आप इस तरीके से करें। कई बार हम लोग को चेक करना होता है कि कहीं स्ट्रिंग नल तो नहीं है, जैसे मुझे यहाँ पर चेक करना है कि स्ट्रिंग कहीं नल तो नहीं है या ब्लैंक तो नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो। कभी भी ये नहीं लिखेंगे एन एम वन इज इक्वल इक्वल टू नल या स्पेस, नहीं, हम यहाँ बोलेंगे स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी। ये हमारा फंक्शन, ये सारे जो फंक्शन हैं ये स्ट्रिंग क्लास के बने हुए हैं, और ये फंक्शन बड़े ऑप्टिमाइज तरीके से बने हुए हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब इनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, परफॉर्मेंस वाइज ये बेहतर होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, आप यहाँ पर ये डाल दें। अब मैं बोलता हूँ एन एम वन और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग। अब यदि मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। ये देखो ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नल है, कुछ भी नहीं है। यदि मान लो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ, अब यदि मैं रन करूँ, याद रखना अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपने स्पेस दे दिया है, स्पेस एक कैरेक्टर होता है ना। तो जब कभी भी आपको स्ट्रिंग को लेके इस तरीके से चेक करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक, एक चीज़ और समझ लो, तो ये सारे हमारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के लिए। अब देखो ये जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, ये जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा म्यूटेबल और एक होता है नॉन म्यूटेबल। एक होता है हमारा म्यूटेबल और एक होता है हमारा नॉन म्यूटेबल। देखो जब कभी भी हम लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रिंग एनएम इज इक्वल टू संतोष। अब तुमने यहाँ पे बोल दिया, मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग, ये जो हमारा एन है, एन की जगह मैं यहाँ पे एम बोलता हूँ, एम इज इक्वल टू, फिर मैं बोलता हूँ एन इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अमित। अब आप जरा गौर से देखो, अब तुमने यहाँ पे एक बार तो तुमने यहाँ पे वैल्यू दिया संतोष, और एक बार तुमने यहाँ पर वैल्यू दिया है अमित, लेकिन याद रखना ये क्या करेगा, जो हमारा स्ट्रिंग होता है ये नॉन म्यूटेबल होता है। नॉन म्यूटेबल का मतलब क्या, इसकी एक्चुअल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। मेमोरी में जो n है, n की लोकेशन है, वहाँ पर संतोष ही होगा। अब ये जो हमारा n है ये इसके लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब ये जो हमारा n है ये मेमोरी में कहीं ना कहीं होगा। तो जो हमारा स्ट्रिंग होता है बाई डिफॉल्ट नॉन म्यूटेबल होता है। नॉन म्यूटेबल का मतलब ये पुराने वैल्यू को भी स्टोर करके रखता है। तो नॉन म्यूटेबल कहीं ना कहीं अपने आप में दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग म्यूटेबल स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। याद रखना हम लोग जो यूज करते हैं सिस्टम डॉट स्ट्रिंग ये जो होता है हमारा, ये नॉन म्यूटेबल होता है। नॉन म्यूटेबल का मतलब मेमोरी में पड़ा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं मेमोरी में जगह होल्ड करके रखता है। और एक होता है हमारा यहाँ पे, एक हम लोग स्ट्रिंग ऐसे भी बना सकते हैं। देखो एक होता हमारा सिस्टम डॉट टेक्स्ट, ये जो हमारा सिस्टम डॉट टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक होता है यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर, हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर एन एम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और इस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया संतोष। तो ये जो तुम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके जो क्लास बनाते हो, जो तुम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हो, ये जो होता हमारा ये म्यूटेबल होता है। यदि मैं यहाँ पे एनएम को डिस्प्ले करूँ तो ये हमारा एनएम डिस्प्ले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे यदि एनएम को डिस्प्ले करूँ तो ये हमारा एनएम डिस्प्ले हो जाएगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ तो याद रखना स्ट्रिंग को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, और दूसरा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। ये जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है, स्ट्रिंग बिल्डर के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट टेक्स्ट पैकेज होता है, उसके अंदर होता है। तो एक होता हमारा ये जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, ये स्ट्रिंग बिल्डर क्लास अवेलेबल कहाँ पे होता है, ये देखो ये सिस्टम डॉट टेक्स्ट के अंदर होता है, ऊपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब कभी भी हमारे लिए परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है, जहाँ पे मेमोरी को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, जो टिपिकल एप्लीकेशंस होते हैं, उन टिपिकल एप्लीकेशंस के अंदर हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम लोग वहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करें, ना कि हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करें। परफॉर्मेंस वाइज ये स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है बेहतर होता है, क्योंकि ये हमारा नॉन म्यूटेबल होता है।
पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर एंड सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। याद रखना सिस्टम डॉट स्ट्रिंग हमारा नॉन म्यूटेबल होता है, और जो सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके हम स्ट्रिंग बनाते हैं वो हमारा म्यूटेबल होता है। तो ये थे हमारे पूरी स्ट्रिंग की राम कहानी। स्ट्रिंग हैंडल को लेके हमने मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया। देखो चीज़ें तो इतनी सारी हैं कि यदि मैं दो चार दिन लगातार बैठ जाऊँ तब भी चीज़ें चलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज ए बिगिनर्स, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल कहीं ना कहीं हमें एक बाउंड्री लेके चलनी होती है, अदरवाइज तो देखो पढ़ने का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, हम करते चले जाएंगे। तो आज का जो मेरा एजेंडा था उसमें था स्ट्रिंग हैंडलिंग, मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको डिबगिंग करना भी बता दिया। कुछ चीज़ें ही मैंने आपको बताई लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये जो हमारा फाइल हैंडलिंग है, इस फाइल हैंडलिंग को लेके फिर हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे और वहाँ पर बात करेंगे फाइल हैंडलिंग, क्योंकि आज ये सेशन ही थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आप इस प्रोग्राम को कर लेंगे तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम मैं अभी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा तो वहाँ से उठा लेना, या जो हमारी ब्लॉग वाली साइट है वहाँ पर पड़ा हुआ होगा, आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।